नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एस के साइंस क्लासेज में। मैं हूं आपके साथ आर्कलेंजन। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13 चैप्टर क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका जो 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, वो कि 2020 के लिए क्वेश्चन आने वाला होगा। 2020 में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ हमेशा आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे, हम कह रहे कि एक कुआं खोदा जाता है, कुआं, हमने एक कुआं खोद दिया भाई, और कुआं से जो मिट्टी निकला है इसको हमने क्या कर दिया, एक चबूतरा बना दिया। क्या बना दिया? चबूतरा। और चबूतरा कैसा बनाया गया जी? वो चबूतरा बनाया गया है हमारा घनाभा का, घनाभा, यानी कि जो इससे मिट्टी निकला है उसी का चबूतरा बनाया है। दूसरा मिट्टी लाएगी नहीं, यानी कि बोल सकते हैं कि घना जो कुएं का आयतन है वो चबूतरे का आयतन के क्या है, बराबर है। यानी कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो देखे पहले क्या कह दिया है, पहले देख रहे क्या कह दिया है, कुएं की कह दिया है भाई, इसकी त्रिज्या दिया है, इसका व्यास दिया, सॉरी व्यास कितना दिया हमारा, डी दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका आर कितना हो जाएगा, 7/7 मीटर है, 7/2 मीटर, ठीक है। और इसका गहराई, देखिए क्वेश्चन में आप एक लंबेज पकड़ लीजिए कि जब भी पृष्ठीय स्तर पर इतना पढ़ रहे हैं तब क्वेश्चन में बात करेगा लंबाई का, ऊंचाई का, गहराई का, मोटाई का, तो हमेशा बात होगा कब, जब बेलन में या शंकु में बात करेगा गहराई का, मोटाई का, लंबाई का, ऊंचाई का, ये 4 चीज का बात करेगा, तो हमेशा आप वहां पर ऊंचाई लीजिएगा, ठीक है। तो हमें गहराई की बात करें, उसके कैसे ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई हमारा दिया है 20 मीटर, ठीक है, दिया है। दूसरा कार्य चबूतरा बना रहे हैं जी, चबूतरे की, चबूतरे की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, लेकिन ऊंचाई हमें दिया नहीं है, बोल रहे आप ऊंचाई याद करें, ठीक है। तो इसका लंबाई दिया है 22 मीटर और चौड़ाई दिया है 14 मीटर, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई पता नहीं है, तो हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है। हम बोल सकते हैं प्रश्नानुसार कि कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि कुएं से ही जो मिट्टी निकला उसको हम क्या बनाया है, चबूतरा बनाया है। बोल सकते हैं प्रश्न से कुएं का आयतन बराबर, कुआं हमारा किसा है, कुआं किसा होता है, बेलनाकार होता है, कुएं की आयतन बराबर चबूतरे के, चबूतरे का आयतन, ठीक है। कुएं का आयतन क्या होता है, तो कुएं का होता है पाई आर स्क्वायर इंच, क्यों, क्योंकि कुआं किसा होता है, बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच, और चबूतरा हमारा किसा बनाया गया, घनाभा का, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। देखिए पाई, पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू कितना हमारे पास है, 7/2, स्क्वायर करते इसको हम दो बार लिख देंगे, और एच का मान कितना है 20, और बराबर एल का मान 22 और बी का मान एच का मान पता है, एच का मान एच, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 10, 2 से 5, अब इसको गुणा कर देंगे, 7 × 5 = 35, 35 × 70 का जो 35 × 70 7 × 77, 770 बराबर 22 × 14 इंच, ठीक है। देखिए हमारे दोनों काम है गुणा में, अब बराबर कैसे आयत काम होता है, प्लस ए गुणा तय का भागा हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि इंच बराबर 770 बढ़ा में 22 और गुणा कितना 14, ठीक है, कटाएंगे 14 × 70, 14 × 70 11 × 22, 11 × 22 11 × 55 एंच बराबर 5/2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एंच 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना 2.5 मीटर हमारा क्या हो गया, 5 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, ऐसे ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन वाइज वीडियो रहेगा, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।